I can feel you staring back. दोस्तों, मनुष्य हमेशा से ही जिज्ञासु प्रकृति का रहा है। उसकी हमेशा से ही यह कोशिश रही है कि वह इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सके। इन्हीं कोशिशों में एक महत्वपूर्ण दिन 20 जुलाई 1969 था, जब चांद पर अमेरिका ने अपना झंडा लहराकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया था। मानव के इतिहास में यह पहला ऐसा अवसर था जब चांद की जमीन पर किसी मनुष्य ने कदम रखा हो। पर कुछ ऐसे तथ्य सबूतों के साथ भी मौजूद है जो यह बात पुख्ता करते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कभी पहुंचे ही नहीं थे, और अमेरिका ने यह ड्रामा केवल शीत युद्ध में रूस से आगे निकलकर खुद को दुनिया के सामने बेहतर दिखाने के लिए रचा था। तो दोस्तों, आज बात करेंगे उन्हीं सवालों के बारे में जिनका जवाब मून लैंडिंग के 48 साल बीत जाने के बाद भी नहीं मिल पाया है, और जो चीख चीख कर गवाही देते हैं कि मून लैंडिंग इस सदी का सबसे बड़ा झूठ था। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन्हीं तथ्यों के बारे में। लहराता हुआ अमेरिका का झंडा। आप सभी ने देखा होगा कि मून लैंडिंग के दौरान नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की जमीन पर अमेरिका का एक झंडा लहराया था, परंतु ये वाकई में चौंकाने वाली बात थी कि अमेरिका का झंडा चांद पर कैसे लहरा पाया, क्योंकि चांद पर तो कोई वायुमंडल ही नहीं है जिससे हवा का प्रवाह हो सके और कोई भी झंडा लहरा सके। ये बात साबित करती है कि मून लैंडिंग का ड्रामा फिल्मों की तरह सेटअप लगाकर पृथ्वी पर ही रचा गया था। मून लैंडिंग के दौरान तारे कहां गए? मून लैंडिंग की तस्वीरें ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उस दौरान तारे दिखाई ही नहीं दे रहे थे, जबकि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण अंतरिक्ष की हर चीज साफ साफ दिखाई देनी चाहिए थी। यह बात भी साबित करती है कि मून लैंडिंग फिल्मों के सेटअप को लगाकर पृथ्वी पर ही एक ड्रामा रचा गया था, जिसमें तारों को इसलिए नहीं दिखाया गया होगा क्योंकि तारों की स्थिति से बाद में घटना की सच्चाई का पता लग सकता था। अंतरिक्ष यात्री के हेलमेट में चमकती स्पॉटलाइट। मून लैंडिंग की इस तस्वीर में अंतरिक्ष यात्री के हेलमेट में एक चमकती हुई स्पॉटलाइट का प्रतिबिंब आप साफ देख सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह स्पॉटलाइट चंद्रमा पर कैसे पहुंची। यह साबित करता है कि मून लैंडिंग लाइटों के सेटअप के साथ पृथ्वी पर ही शूट किया गया था। चांद पर पैरों के निशान। इस तस्वीर में आप चांद पर नील आर्मस्ट्रांग के पैरों के निशानों को देख सकते हैं। यह बहुत ही अजीब बात है कि चांद की सतह पर कोई कैसे इतना स्थिर निशान बना सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर जाने वाला चंद्रयान जिसका वजन 4 टन था, उसने चंद्रमा पर निशान नहीं छोड़े, तो फिर इतने स्थिर निशान पैरों के कैसे बन गए, जबकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के छठे हिस्से से भी कम है, और किसी भी सतह पर इतने मजबूत पैरों के निशान बनाने के लिए मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति का होना बहुत जरूरी है। कहां गए मून लैंडिंग के ब्लूप्रिंट्स? मून लैंडिंग मशीन के ब्लूप्रिंट्स आज तक किसी ने नहीं देखे हैं। अमेरिका कहता है कि वे गायब हो गए, जबकि शक यह जा रहा है कि मून लैंडिंग वास्तव में हुई नहीं थी। इस कारण से अमेरिका मून लैंडिंग की मशीन के ब्लूप्रिंट्स उपलब्ध नहीं करा पाया। बदलती परछाइयां। मून लैंडिंग पर संदेह अंतरिक्ष यात्रियों और चंद्रयान की बदलती परछाइयों से भी होता है। यदि चंद्रमा पर रोशनी का एकमात्र स्रोत सूर्य था, तो सभी चीजों की परछाई एक ही दिशा में होनी चाहिए थी, परंतु मून लैंडिंग की तस्वीरों और वीडियो में इन परछाइयों को साफ साफ बदलते हुए देखा जा सकता है, जो साबित करती है कि मून लैंडिंग पृथ्वी पर ही अलग अलग लाइटों की व्यवस्था करके एक ड्रामा था। अंग्रेजी अल्फाबेट्स का पत्थर। मून लैंडिंग की तस्वीरों और वीडियो में एक पत्थर नजर आता है, जिसमें अंग्रेजी अल्फाबेट सी नजर आता है। अब सवाल यह उठता है कि जब इससे पहले चंद्रमा पर कोई गया ही नहीं था, तो यह पत्थर कहां से आया? कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि यह पत्थर मून लैंडिंग की एक्टिंग करने के दौरान रखा गया होगा,
ताकि उन पर लगे कोड देखकर नील आर्मस्ट्रांग उनके साथी उस दिशा में चल सके। गलती से फोटो में इस पत्थर पर अल्फाबेट्स दिखाई दे गया। तो दोस्तों ये थी मून लैंडिंग से संबंधित वे तथ्य जो साबित करते हैं कि मून लैंडिंग सिर्फ एक दिखावा था। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल रंग के बटन को नीचे जाकर दबा दीजिए और साथ में लगी घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री, इससे हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर शेयर कीजिए। साथ में स्क्रीन पर जो ये चार वीडियो आपको दिखाई दे रही है, ये वीडियो भी इतनी ही रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। प्लीज इन वीडियो को भी देखिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।